छः महीने पहले 26 नवंबर को जब किसान आके दिल्ली के बाहर बैठे थे, तब उन्होंने जो आशंका व्यक्त की थी और जो चेतावनी दी थी, आज 6 महीने बाद वो हम अपनी नंगी आंखों के साथ खुद देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा था कि ये तीन कानून जिन नीतियों के आधार पर बन रहे हैं, वो नीतियाँ सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, वो सिर्फ खेती को बर्बाद नहीं करने वाली, वो इस देश को भी विनाश के रास्ते पर ले जाएंगे। यही निजीकरण, यही विदेशी कंपनियों को कमाने की पूरी छूट, यही सारी जिम्मेदारियों से सरकार के बाहर हटने का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया चिंतित है कि भारत में कोरोना जिस तरीके से फैला हुआ है, उसने जो महामारी की शक्ल ले ली है, उसका समाधान किस तरीके से होगा। आशंकाएं सही साबित हुई, और वो आशंकाएं अगर इन 6 महीनों में सही साबित हुई हैं कि ये सरकार इस देश की जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार इस देश के संविधान के आधार पर चलने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार इस लोकतंत्र की मान और मर्यादाओं का सम्मान करने वाली सरकार नहीं है, अगर ये आशंकाएं सही साबित हुई हैं तो आने वाले दिनों में ये आशंकाएं और भी ज़्यादा विनाशकारी रूप में हमारे सामने आएंगे। 26 मई को उन्हीं किसानों के दिल्ली के दरवाजे पर चल रहे आंदोलन का 6वां महीना पूरा हो रहा है। किसान डटे हैं, किसान डटे रहेंगे, क्योंकि ये उनका अपना सवाल नहीं है, पूरे देश की जनता और देश का सवाल है। मजदूरों ने उनको समर्थन किया है, जनता के जितने भी संगठन हैं, विद्यार्थी संगठन, महिला संगठन, नौजवान संगठन, लेखक साहित्यकारों ने भी उनका समर्थन दिया है। 26 मई को एक और दुर्भाग्यपूर्ण तारीख की बरसी है, 7 वर्ष पहले इसी दिन नरेंद्र मोदी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद जो फिसलन शुरू हुई है, वो फिसलन इस देश की एकता को तोड़ने तक, इस देश की राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को विभाजित करने तक और पूरी दुनिया भर में नाक कटाने तक पहुंच चुकी है। इन दोनों दिनों को मिलाकर 26 मई के दिन पूरे देश के लोग संकल्प लेंगे, अपनी एकजुटता को व्यक्त करेंगे, अपने घरों पर काला झंडा फहरा के, किसान अपने वाहनों पर फहराएंगे, हर गाँव में, हर बस्ती में नरेंद्र मोदी के पुतले, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। हिस्सेदारी कीजिए, शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।